हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको कोरोना से और लॉकडाउन के दौरान उसके असर से जुड़ी खबरें लगातार दिखा रहे हैं। ये खबर हम आपको बिहार से लेकर आए। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने पता लगाया कि लॉकडाउन का असर कारोबार पर किस तरह पड़ रहा है। जी हाँ, हमने निधि श्री झा की कल आपको कई रिपोर्ट दिखाई थी। इसमें दिखाया गया था कि समाज का निम्न वर्ग या फिर मिडिल क्लास हो, हर कोई इस बात से परेशान है। लोग घरों में बंद हों और असर कारोबार पर पड़ रहा है, कोई नई बात तो नहीं। पटना में पोल्ट्री का कारोबार किस हद तक परेशान है, ये आपको समझना चाहिए। जी हाँ, और ये समझेंगे आप निधि श्री झा की उस रिपोर्ट से जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल चिकन से कोरोना होने की खबर तो अभी नहीं आई है, लेकिन कोरोना की चपेट चिकन कारोबार पर जरूर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। पटना के बिहटा में पोल्ट्री फार्म की ये तस्वीरें हैं। कारोबारी परेशान है क्योंकि चिकन बिक नहीं रहा है, कमाई हो नहीं रही है, मुर्गियों को पालने का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में पोल्ट्री फार्म चलाने वाले कारोबारी क्या करें। दिक्कत है, इसका दाना नुना कहीं भी नहीं मिल रहा दाना, और जैसे तैसे हम इसको जिंदा रखे हुए अभी तक, चावल हो चाहे कोई चीज हो इसको खिला रहे हैं। पोल्ट्री फार्म चलाने वाले अमित से मुर्गे नहीं बिके तो इन्होंने 4000 मुर्गे आधे दाम या मुफ्त में ही बांट दिए। अमित ने ऐसा क्यों किया बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा। दिक्कत शुरुआत में तब हुई जब लोगों के बीच एक अफवाह फैला कि चिड़िया से, पक्षियों से या चिकन से खास तौर पर कोरोना का खतरा है, और ये जैसे ही भ्रांति मार्केट में फैलती चली गई, लोगों ने मुर्गा खरीदना छोड़ दिया। पटना में ही बैंक से 10 लाख का कर्ज लेकर पोल्ट्री का कारोबार शुरू करने वाले जैकी भी कोरोना काल में पोल्ट्री के कारोबार से परेशान है। उनसे बात की संवाददाता निधि श्री झा ने। बैंक से सूद ब्याज पे पैसा लेकर ये बिजनेस को काम किए कर रहे हैं, और उसमें भी 5-6 लाख रुपए का इधर लॉस हो गया। ये 12,000 रुपए में मंथ पे हम लिए हुए हैं, दो आदमी भी है, 20-25 हजार रुपए ऐसे, 20,000 रुपए बैंक से, 50,000 रुपए कम से कम हमें देना होता मंथ। छोटे ही नहीं बड़े कारोबारी भी अब पोल्ट्री फार्म के कारोबार को घाटे का सौदा बता रहे हैं। पटना के महतपुरा गांव में कभी एक साथ 8,000 मुर्गे पालने वाले अविनाश उपाध्याय को सुनिए कि कोरोना का असर कैसे उनके कारोबार पर पड़ा। इसमें 40 आदमी बेरोजगार हो चुका है, 40 घर का नुकसान है इसमें। जिन लोगों को मतलब अभी तो कुछ लोग को तो छुट्टी देना पड़ा है, और अभी 10 लोग ऐसे हैं जो यहाँ तो आप देख रहे हैं, सुना सपरा हुआ है, सन्नाटा है, काम नहीं चल रहा है। उसके बाद भी 10 ऐसे वर्कर हैं, उनको हम काम पे रखे हुए हैं, काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके देख रेख के चलते उन 10 लोगों को हम लोग वेतन दे रहे हैं। पटना के महतपुरा गांव में ही अंडा उद्योग से जुड़े अमितेश कभी इस कारोबार से 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करते थे। 10 लोग इनके फॉर्म पर काम करते थे। अंडों की बिक्री बंद हुई तो लोगों को काम से हटाना पड़ा। कोरोना महामारी के कारण अंडा एकदम नहीं बिका, जिसके कारण प्रत्येक दिन 20,000-22,000 रुपया घाटा में जाने लगा। और जहां तक मुझे जानकारी है कि उसके बाद ये लोग मुर्गी को बाहर छोड़ दिए, खेत में छोड़ दिए, कहीं धपा भी दिए। धपा दिए मतलब जमीन में दफना दिए। हाँ, जमीन में दफना दिए।